दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अंकिता बहुत जल्दी शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं, जिसके चलते वो लगातार फोटोशूट्स करवा रही हैं, खुशी में डांस करते हुए वीडियोस अपलोड कर रही हैं, जिसे देखते हुए सुशांत के फैंस के साथ सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति को बहुत चोट पहुंची है कि अंकिता ऐसे टाइम पर इतनी खुश कैसे हो सकती हैं। वहीं श्वेता सिंह कीर्ति ने भी चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अंकिता जो अपनी जिंदगी के 7 साल सुशांत के इतने करीब रह चुकी हैं, वो इतनी जल्दी सुशांत को भुलाकर इतना आगे कैसे बढ़ सकती हैं। वहीं श्वेता ने ये भी कहा कि अंकिता अगर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं तो मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी निराश भी हुई हूँ, क्योंकि जिस तरह से वो पहले सुशांत के लिए आवाज़ उठा रही थी, सुशांत के इंसाफ के लिए लड़ रही थी, उसमें काफ़ी बदलाव आ गया है। अब वो सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी में व्यस्त हो गई हैं, ये भूल गई हैं कि सुशांत को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। अंकिता में बदलाव तो हमने भी महसूस किया है दोस्तों, क्योंकि कुछ दिन पहले खुद अंकिता ने भी ये बयान दिया था पलटी मारते हुए कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि सुशांत के साथ कुछ गलत हुआ है, वो बस सुशांत के साथ क्या हुआ ये जानना चाहती थी। तो कहीं ना कहीं अंकिता भी अब महाराष्ट्र सरकार के फेवर में ही नजर आ रही हैं। तो श्वेता सिंह कीर्ति भी हम सब फैंस की तरह कहीं ना कहीं अंकिता के इस बदले रूप को देखकर काफ़ी आहत हुई हैं। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि अंकिता सुशांत के लिए जो आवाज़ उठा रही थी, वो सिर्फ प्रेम हासिल करने के लिए कर रही थी या सचमुच उनके लिए लड़ रही थी? क्या अंकिता को इतनी जल्दी इस तरह शादी करनी चाहिए थी या इस तरह के वीडियोस शेयर करने चाहिए थे? आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।